आज जो हमारा टॉपिक है रिप है, रिप प्रोटोकॉल। आज हम डायनामिक प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। इससे पहले तक हमने स्टैटिक राउटिंग को देखा था। आज हम डायनामिक राउटिंग का फर्स्ट प्रोटोकॉल रिप और रिप वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर करेंगे। जो मैंने टोपोलॉजी बनाई हुई है हमारी, वही पुरानी टोपोलॉजी जिसके अंदर हमने स्टैटिक का काम किया था। इसके ऊपर कौन से नेटवर्क जो चल रहे हैं वो भी वही पुराने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास नेटवर्क यहाँ पे चल रहे हैं वो 192.168.2.0/24। यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है वो है 1.0.0.0/8, और जो हमारा यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है वो 192.168.1.0/ है हमारे पास यहाँ पे 24। ये हमारे नेटवर्क्स यहाँ पे चल रहे हैं, हमने इनको कॉन्फ़िगर करना है। लेट्स अब हम इसको क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं। हमने राउटर्स में जाना है। स्टैटिक राउटिंग हमने कॉन्फ़िगर की थी, उसके लिए हमने कमांड्स लिखी थी। स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हुए हमने कमांड लिखी थी आईपी राउट। यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हुए हमने कमांड लिखनी होती है राउटर, और उसके आगे जो भी हमारा प्रोटोकॉल है उसका नेम, राउटर रिप। अगर रिप कॉन्फ़िगर करना है तो सिंपल रिप लिखना है। अगर वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करना है तो हमें यहाँ पे वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक से SION वर्जन 2। इसके बाद हमने कमांड देनी है जो, अच्छा हमने बात की थी स्टैटिक राउटिंग में, स्टैटिक राउटिंग में हमने बात की थी यहाँ इस राउटर से अगर हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है, इसको एक्सेस करना है, तो इसका नेटवर्क और इसका नेक्स्ट हॉप, हमारे पास ये नेक्स्ट हॉप होता था और ये नेटवर्क होता था। रिप कॉन्फ़िगर करते हुए हमें किसी और जिसकी तरफ जाना है वो नेटवर्क नहीं पता होना चाहिए, बल्कि जो मेरे अपने नेटवर्क हैं, इस राउटर के अपने नेटवर्क हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस राउटर से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो एक ये है और दूसरा ये है, ये 192 है, 192। और इस साइड पे जो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है वो कौन सा है, 1.0.0.0 और 192.168.1.2। हमने जब कॉन्फ़िगर करना है इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को इस राउटर पे और इस राउटर पे, हमने इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है। अब मैं वही करने जा रहा हूँ, वर्जन 2 लिखा, उसके बाद लिखा नेटवर्क 192.168.1.0, इसका अपना नेटवर्क जो है वो वाला 1.0, और दूसरा नेटवर्क है नेट 1.0.0.0। ये इस नेटवर्क पे, इस राउटर पे कितने नेटवर्क हैं, दो ही नेटवर्क, एक कौन सा है 192.168.1.0 और दूसरा 1.0.0.0, वो मैंने इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया। अब सेम एज इट इज दूसरे राउटर पे देखेंगे, दूसरे राउटर पर कॉन्फ़िगर करने के लिए सेम वही मेथड फॉलो करेंगे, राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 1.0.0.0, दूसरा नेटवर्क नेटवर्क 192.168.2.0। वहां पे मेरे पास 1.0 चल रहा था और इस साइड पे मेरे पास 2.0 चल रहा है। ये दो नेटवर्क इस राउटर पे चल रहे हैं, तो हमने इन दो राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना है। अब मैं अपना राउटिंग टेबल को चेक कर लेता हूँ कि मेरे राउटिंग टेबल में इन दोनों, इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आई है या नहीं आई है। एग्जिट एग्जिट, और उसके बाद हमने कैसे शो आईपी राउट, शो आईपी राउट देखिए, तो यहां पे मेरे पास आर के साथ एक वैल्यू आ रही है 192.168, वो दूसरा राउट इस नेटवर्क इस राउटर में आ चुका है, यानी कि अब ये राउटर उसके साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। और इसी तरह हम इस राउटर पे चेक कर लेते हैं मेरे पास ये नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा।
शो आईपी राउट। यहां पे देखें तो यहां पे मेरे पास ये वैल्यू आ रही है दूसरे नेटवर्क की 1.0 की, इस वाले सेकंड वाले राउटर के अंदर। तो यहां पे ये भी कम्युनिकेट कर सकता है उसके, इस टाइप मतलब मेरे पास जो रिप है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। जो स्टैटिक था वो एस के साथ आता था, रिप है वो आर के साथ आता है राउटिंग टेबल में। अब मैं एक राउटर से दूसरे, एक लैपटॉप से दूसरे नेटवर्क के लैपटॉप को पिंग करके देख लेता हूँ क्या कम्युनिकेशन ओके है। पिंग 192.168.2. नीचे वाला नेटवर्क फ्री कर लेता हूँ लैपटॉप को। अभी पहला पैकेट ड्रॉप होगा, बाकी सारे पैकेट्स हमारे पास इसके आएंगे, रिप्लाई आएंगे। देखिए उनको फर्स्ट टाइम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में पहला पैकेट ड्रॉप कर देता है। अगेन इस दफा हमारे पास सारे के सारे, क्योंकि अब टोपोलॉजी वहां तक कॉन्टेक्ट बन चुके हैं, तो वो रिप्लाई वहां से आ रहा है हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज का जो रिप था वो कॉन्फिगर हो चुका है। इसके बाद हम ओएसपीएफ देखेंगे, सिंगल एरिया, मल्टी एरिया और फिर ईआईजीआरपी को कॉन्फिगर करेंगे। ये हमारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। उसके बाद हम अपनी कुछ और जो लैब्स हैं उनको देखेंगे, इसको देखें समझें। अगर कोई चीज समझ नहीं लगती तो जरूर पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें जिन्हें इनकी जरूरत है, जिन्होंने सीसीएनए को समझना है, सीखना है, जिनको अच्छे उर्दू में लेक्चर्स नहीं मिल रहे उनके लिए बेहतर रिसोर्स है, उन्हें गाइड करें, बताएं। अगर कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन और चाहिए तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मेरे पर फेसबुक आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।